हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जिस शेयर से बातें करने वाले हैं वो बेहतरीन शेयर, वो पिछले एक महीने से गिर रहा है और लगभग लगभग 12-13% 14% तक वो शेयर गिर चुका है। और मेरी राय है कि आपको उसे खरीदना चाहिए। लास्ट टाइम जब मैंने वो शेयर बताया था 1600 पे बताया था, 3000 तक गया था, अभी वो 2500 के आसपास शेयर मिल रहा है और फिर दोबारा मौका है। शायद इस बार बता रहा हूँ तो आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर अंदर वो शेयर आपको 4000 रुपये तक जाते हुए दिखे। क्यों, क्या रीज़न है, सब जानेंगे। कंपनी करती क्या है वो भी जानेंगे। पिछली वीडियो का भी लिंक ऊपर दे दूंगा तो उसे भी देख लीजिएगा, तो उससे और पता चल जाएगा। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। बट बिफोर दैट, हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपके पास पहुँचती रहे। और बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिए। और इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट, एक और रिक्वेस्ट। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रखा है ये अकाउंट ओपनिंग के लिए। आपका अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस लिंक पर क्लिक करिए, फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराइए और बहुत सारे इसके फायदे हैं। एज वेल एज बात की जाए, यहाँ पर एक और लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अपनी इच्छा अनुसार आप दान दे सकते हो और एक महत्वपूर्ण काम में और एक पुण्य के काम में मदद कर सकते हो। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिफोर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर आज के दिन में 1.3% गिरा है। ओके, 5 दिन की बात करते हैं गिरावट, 1 मंथ की बात करते हैं गिरावट, 6 मंथ की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1000 रुपये का शेयर चलता था, 3000 रुपये तक बिना रुके, मतलब देखिए गिरावट तो यहाँ पर भी हुई है, यहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर भी हुई है, हर जगह गिरावट हुई है और इसी तरीके की गिरावट ओके अब दोबारा यहाँ पर होती हुई नज़र आई है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी अच्छी खासी गिरावट और अब क्या दोबारा शेयर वहीं पर की तरफ गिरता हुआ नज़र आ रहा है। बट ये अपॉर्चुनिटी है। क्यों, क्योंकि बहुत बेहतरीन शेयर है। अगर इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न यहाँ पर देखते हैं तो ये इसका एक मैक्सिमम चार्ट पैटर्न है। एक बहुत अच्छे ग्रुप से रिलेटेड ये कंपनी है और शेयर ने यहाँ 3 अप्रैल से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो लगभग कितने 350-400% के रिटर्न दिए हैं। और ये कंपनी आगे चल के बहुत बड़ी होने वाली है, पहले ही बता देता हूँ अभी। और ये अगर हम देखते हैं 1 महीने में कितना गिर चुका है, तो देखिए मैक्सिमम इसका हाई देखते हैं तो लगभग 3050 तक गया था और हमें यहाँ पर कितना 2856, फिर भी 150 रुपये और अपना आगे बढ़ा लीजिएगा तो लगभग 1500 के कहा जाए तो 13-14% का गिरावट यहाँ पर सीधी साफ होती हुई हमें यहाँ पर नजर आई है। और अगर हम बात करें यहाँ पर 52 वीक लो की, तो यहाँ पर 499, 52 वीक हाई की 3050, जो कि 2 फरवरी को ओके एक महीने पहले था। उसके बाद यहाँ पर गिरावट होती हुई नज़र आई है। 40% का यहाँ पर डिलीवरीज आज की डेट में, मतलब 1,71,000 शेयर के लगभग यहाँ पर उठाते हुए दिखाई दिए। कंपनी की बात करें तो 44.53% प्रमोटर्स के पास है, बाकी FIIs, DIIs और पब्लिक के पास है। फाइनेंशियल यहाँ पर देखे जाए तो देखिए इस भी हर एक क्वार्टर में इन्होंने प्रॉफिट किया है। डिविडेंड के मामले में काफ़ी अच्छी है, बोनस के मामले में 2017 में ही बोनस दिया है और शायद इस तरीके से कंपनी चलती रही तो दोबारा बोनस देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देख लीजिए कोई भी शेयर गिर भी नहीं है ओके, हर पैरामीटर पे कंपनी आपको अच्छा सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। तो कंपनी का नाम क्या है उससे शुरुआत कर लेते हैं। कंपनी का नाम है टाटा एलेक्सी ओके। कंपनी मल्टी बैगर अपने आप को ऑलरेडी साबित कर चुकी है और अभी भी आपको मौका है। और 1 महीने में दोबारा जब रिजल्ट का कार्यक्रम शुरू होगा तो ये शेयर आपको अलग दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और वो तो छोड़िए, ये कंपनी काम क्या करती है, तो टाटा ग्रुप का एक शेयर है। सबसे पहली बात, टी फॉर टाटा, टी फॉर ट्रस्ट। एंड दूसरी बात ये है कि ये बहुत मिड कैप कंपनी है ओके। और एज वेल एज ये जिस क्या काम करती है वो भी देख लीजिए, ये ऑटोमोटिव, ब्रॉडकास्ट, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर। तो आप जब यहाँ पर जब ईवी की बात की जाएगी ना तो उसके डिज़ाइन और उस सब की बात की जाएगी तो ये शेयर सबसे आगे निखर के आएगा। क्लाउड मोबिलिटी, वर्चुअल ओके, वर्चुअल रियलिटी, AIC, मतलब ये कंपनी हर चीज़ में काम करती है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड शेयर है तो इसे कम मत आकिए, फिर बता रहा हूँ बहुत बेहतरीन शेयर है। एज वेल एज अगर हम बातें करें यहाँ पर तो डिविडेंड, यहाँ पर देख सकते हैं डिविडेंड क्या डिविडेंड देते हुए नजर आए। बोनस ऑलरेडी एक बार 2017 में दिया है। स्प्लिट ओके अभी तक हुआ नहीं है, 10 का फेस वैल्यू है ओके। राइट इशू 1:1 का 1995 में दिया था। बोर्ड मीटिंग तो यहाँ पर देखिए एक अनाउंसमेंट भी है, बोर्ड मीटिंग यहाँ पर कल की यहाँ पर होने वाली है। यहाँ पर देखिए टाटा एलेक्सी हैज इन्फॉर्म द एक्सचेंज अबाउट द इन्वेस्टर एंड कॉन कॉल, यहाँ पर आज की डेट में ही उन्होंने ये अपडेट किया है ओके। तो यहाँ पर इनकी बोर्ड मीटिंग वगैरह भी चल रही है। कंपनी अच्छी खासी है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर हम बात करें यहाँ पर मिड कैप, तो मिड कैप जहाँ पर आ जाता है, ऑलरेडी वार्निंग देता हूँ, मिड कैप में थोड़ा खतरा, रिस्क ज़्यादा रहता है, गिरती भी है जिस तरीके से गिर रही है और बढ़ती भी
बहुत ज़्यादा ही है। तो ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। LTTS मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको 2500 के आसपास, आज की डेट में 10% भाग चुका है, लगभग 2700 हम पे आ चुका है। ओके, कुछ दिन पहले ही बताया था, सेम इसी तरीके का वीडियो अब बता रहा हूँ, वो भी गिर के उठा है, ये भी गिर के देखिए उठेगा। ROC ही बहुत बेहतरीन 35%, ओके 48 के PE पे आपको मिल रहा है। डेट फ्री लगभग कंपनी है, सेल्स आप देख सकते हैं कंटिन्यूस बढ़ती हुई नज़र आ रही है, 477 करोड़ रुपए की इस बार की सबसे हाईएस्ट सेल थी। प्रॉफिट इस बार का सबसे हाई था, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा प्रॉफिट 105 करोड़। अगर और भी क्वार्टरली वाइज बात करें, ओके ईयरली वाइज, तो यहाँ पर देख सकिए वो भी सेल्स पिछले 12 महीने 1747 करोड़। प्रॉफिट ओके हर एक क्वार्टर में सबसे ज़्यादा 335 करोड़ के प्रॉफिट, जो कि सबसे बेहतरीन है। रिजर्व्स की बात करें तो देख सकते हैं 1072 करोड़ के रिजर्व्स, ओके थोड़ी सी बोराइंग है, ना के बराबर 54 करोड़ रुपीज़ की, जो कंपनी के लिए कुछ भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा, बट कैश इक्विवेलेंट कंपनी के पास 739 करोड़ रुपीज़ का है। एसेट बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, कैश ऑपरेटिव एक्टिविटी देखिए ये बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ROC ही सबसे अच्छा है, प्रमोटर्स की होल्डिंग सबसे अच्छी है, ओके FIIs की होल्डिंग देखिए हर इस क्वार्टर में भी उन्होंने बढ़ाया, 12.62% TIS की बात करें उन्होंने भी यहाँ पर थोड़ी सी क्वान्टिटी बढ़ाई है, 0.4.82% की उनके पास है। और बाकी अगर बात करें पब्लिक, पब्लिक के पास भी हैंडसम मतलब काफ़ी अच्छी होल्डिंग है, कितने 38% की होल्डिंग पब्लिक के पास भी है। तो इस शेयर की तरफ ध्यान दीजिए, जब ये गिरावट हो रही है तो उठाओ, ओके ये गिरावट में लोग पैनिक होकर बेच देते हैं, और कौन उठाता है, तो ये लोग होते हैं ना जो यही उठाते हुए हमें ये शेयर के उठाते हुए दिखते हैं, और अच्छी खासी क्वांटिटी में ये शेयर उठाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इस शेयर की तरफ ध्यान दीजिए, काफ़ी बेहतरीन है। और इसके RSI की बात करें तो पिछले काफ़ी टाइम से देखिए इसका RSI टॉप पर चल रहा था, यहाँ पर इसने कहा भाई बहुत हो गया, अब गिरूंगा, तो तब से गिरता हुआ नज़र आ रहा है, और आज की डेट में आपको 45 के RSI पे मिल रहा है, तो दोबारा ये शेयर ऊपर बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। तो इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, काफ़ी अच्छा बेहतरीन शेयर है। पहले ही वीडियो बनाई थी, उसका लिंक आई बटन पे आपको मिल जाएगा, क्लिक करिएगा, देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। 1600 पे बताया था, 3000 पे गया था, 2500 पे बता रहा हूँ, तो शायद 4000 पे जाता हुआ मिले। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। बट बिफोर दैट, अगर आप कोई भी पोजिशन ले रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से और खुद की स्टडी अपनी जरूर कर लीजिए। टाटा गैलेक्सी इस शेयर का नाम है। सो बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि अपडेट मिलती रहे, और हमारे चैनल को बढ़ाने में मदद करिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।